मैं डॉक्टर नीलम कक्षा 11 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत घर की याद कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुग्धल हिला लेकर मोठ उसकी मिला लेकर जब कि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। आज गीता पाठ करके मेरे पिताजी ने प्रतिदिन की भांति आज गीता का अध्ययन किया होगा, गीता का पाठ किया होगा, दंड 260 करके फिर उन्होंने 260 दंड बैठक लगाई होगी, खूब मुग्धर मिला लेकर फिर उन्होंने मुग्धर को उठाया होगा और उसकी मूठों को परस्पर मिलाया होगा जबकि नीचे आए होंगे। तो इस तरह गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर मुग्धर की मूठों को मिलाकर जब वे नीचे उतर कर आए होंगे, प्रातः क्रियाओं को निपटा कर जब वे नीचे आए होंगे तो अचानक उन्हें भवानी की याद आई होगी। अरे इन बच्चों में भवानी तो है ही नहीं, नैन जल में छाए होंगे और इस तरह के आंखों में पानी आ गया होगा, आंसू आ गए होंगे, हाय पानी गिर रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि मैं उनके पास नहीं हूँ, मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे में मेरा घर और मेरे घर के सारे सदस्य मेरी आंखों में तैर रहे हैं। धन्यवाद।